लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को हराने वाले इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत मिल गई है। टेरर फंडिंग मामले में जेल में पिछले कई सालों से बंद राशिद को 22 दिन की अंतरिम जमानत दी गई। 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान आवामी इत्तेहाद पार्टी के लिए प्रचार प्रसार अब वो कर पाएंगे, जबकि वो जेल में रहते हुए ही लोकसभा चुनाव जीते थे। ऐसे में राशिद के बाहर आने से किसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? विधानसभा चुनाव पर इसका कैसा असर होगा? आखिर कौन है इंजीनियर राशिद? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। लोकसभा चुनाव के दौरान इंजीनियर राशिद के बेटों ने उनके लिए जमकर प्रचार प्रसार किया था। वो जेल में रहते हुए भी उमर अब्दुल्ला पर भारी पड़ गए, तो जाहिर तौर पर उनका जेल से बाहर आना मतलब चुनाव में ताल ठोक रही तमाम पार्टियों की मुश्किल या चिंता बढ़ना। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरण में वोटिंग होनी है। 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। इंजीनियर राशिद अगस्त 2019 से ही जेल में बंद है। टेरर फंडिंग के मामले को लेकर NIA ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इंजीनियर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन अब वो जमानत पर बाहर आएंगे। उनकी पार्टी AIP अब चुनावी मैदान में है और जाहिर तौर पर उन्हीं के लिए जमकर प्रचार प्रसार इन चुनावों के दौरान इंजीनियर राशिद करने वाले हैं। AIP ने इंजीनियर राशिद के बाहर आने को लोगों की जीत बताया है और इसी विधानसभा चुनाव में वो स्टार प्रचारक भी हो सकते हैं। चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP भी पूरी तरह से जोर आजमाइश में लगी हुई है। ऐसे में दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं की इसके बारे में प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। राशिद के जेल से बाहर आने पर NC नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जमानत एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है, उद्देश्य लोगों की सेवा करने की बजाय आगामी विधानसभा चुनावों में लाभ हासिल करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद इससे सिर्फ वोट हासिल करना है, जबकि PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती इंजीनियर राशिद की पार्टी को भाजपा का प्रॉक्सी बता रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक तरफ जेल में बंद किसी भी गरीब व्यक्ति के माता पिता को उससे मिलने की इजाजत नहीं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियां बनाते हैं। इससे आपको इस बात का अंदाजा हो सकता है कि अंदर से चुनाव लड़ने वाले आखिर कैसे शख्स हैं और ये भी कि वो किसकी तरफ हैं। देखिए, इंजीनियर साहब को रिलीज किया, काश इनको पार्लियामेंट सेशन के दौरान रिलीज किया होता ताकि वो आवाम की बात करते। आज उनको इलेक्शन में रिलीज किया गया वोट मांगने के लिए, अच्छी बात है, मगर मैं चाहती हूँ जो हमारे हजारों नौजवान बेगुनाह जेलों में बंद है उनको भी इसी तरह रिलीज किए, उनको भी रिलीज करें। तो ये इस वक्त जो हमारे नौजवान जिनके माँ बाप वहाँ तक जा नहीं सकते, रास्ता ही नहीं है उनकी, उनको रिलीज करें तो अच्छी बात होगी। इंजीनियर साहब को बताया जाए प्रॉस की है BJP का रीजनल पार्टी का कहना है यहाँ पे, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, शक तो होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया। इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है हमारे पास? तो हमारे कैंडिडेट्स के पास कोई, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? तो ये सोचने वाली बात है। बता दें कि इंजीनियर राशिद के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सिंपैथी कार्ड। लोकसभा चुनावों के दौरान भी यही काम आया था और वो बारामूला से जीत भी गए थे। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम नेता जो जेल में बंद थे वो बाहर आ गए, लेकिन चूंकि राशिद बाहर नहीं आ पाए थे तो लोगों की सहानुभूति उनके साथ बढ़ने लगी। बता दें कि इंजीनियर राशिद की पार्टी कश्मीर घाटी की 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि ये वो क्षेत्र में पार्टी चुनावी मैदान में है जहां पर PDP और NC की सबसे ज्यादा सीटें आने की उम्मीद है, लेकिन AIP के आने के बाद से उन्हें वोट बंटने का डर सता रहा है। राशिद की पार्टी ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई का भी वादा किया है जिससे उन्हें और सपोर्ट मिल सकता है और तमाम पार्टियों की मुश्किल बढ़ सकती है। अब राशिद के बाहर आने से किसको कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में